राष्ट्रीय स्तर पर सभी कर्मचारी व अधिकारी संगठनों के नेताओं द्वारा एक मंच पर यह निर्णय लिया गया है कि तृतीय वेतन वृद्धि लागू न करने तथा मोबाइल टावर कंपनी बनाने के विरोध में 12 दिसंबर से 13 दिसंबर दो दिन को देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। ये जानकारी बीएसएनएल परिमंडल सचिव राकेश धीमान ने दी। जो हमारा थर्ड पीआरसी वो ड्यू है हमारा 1/1/2017 से, इसको बीएसएनएल बोर्ड ने, मैं धन्यवाद देता हूँ सीएमडी साहब का कि उन्होंने अप्रूव किया। फाइल हमारी मंत्रालय से भी अप्रूव हुई, मंत्रालय ने एक कंडीशन लगा दी कि जब हमारी कंपनी फायदे में आएगी तब आपको थर्ड पीआरसी दी जाएगी। दूसरा, एक टावर कंपनी बनाने जा रहे हैं, उसमें हमारे कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अधिकारियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इस दो डिमांडों को लेके हमारी एक जयपुर में मीटिंग हुई थी 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को। उसमें हमारे सारे पूरे भारतवर्ष के सभी स्टेट्स के सर्कल सेक्रेटरी, सर्कल प्रेसिडेंट सब लोग आए हुए थे, तो काफ़ी उसमें हमने चर्चा की है। तो इसमें सारी एसोसिएशन, सारी यूनियंस, इसमें 100% हम लोग स्ट्राइक करेंगे 12 और 13 दिसंबर को, और गवर्नमेंट को हम ये जताएंगे कि हम हमारी डिमांडें जायज हैं और थर्ड पीआरसी हम लेके रहेंगे। इसके लिए अगर गवर्नमेंट नहीं जागी तो आगे भी जो भी हम कार्रवाई करेंगे उसको बड़े अच्छे ढंग से करेंगे और थर्ड पीआरसी हम लेकर रहेंगे।